समंदर पार जाने का जो मना किया गया है, अभी अखबार में आप लोगों ने 6 बरस पहले पढ़ा होगा कि जो शंकराचार्य दयानंद सरस्वती शायद तमिलनाडु के हैं, उनका एक जो है चेला जब उन्होंने बाहर के मुल्कों को गए तो जो है ना उन्हें इतराज किया कि हमारी पुरानी किताबों के अंदर इसमें जो है ना ये है कि समंदर पार जाने वाला जो है उसके इशारे से उसका मर्डर हो गया और उसकी मौत मुश्तबा हुई। तो आखिर में जो है उसकी तहकीकात होने के बाद उसको पकड़ के जेल में डाले, अखबार में आया था शंकराचार्य को पकड़ के जेल में डाला गया। तो वो उनकी ये जो तालीमात है वो अधूरी है और वो आगे जाके जो है किसी भी तरह से इंसान को कोई मुतमिन नहीं कर सकते। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कुरान करीम का, इस्लाम का इतना बड़ा इंसानियत में जो है ना एहसान है कि सारी कायनात को इंसान की हिम्मत पर लगा दिया और इंसान को जाना अल्लाह की तरफ रुझू किया। तो ये फलसफा सिर्फ इस्लाम ही दे सकता है, दूसरा और मजहब नहीं दे सकता। और फिर हर जगह है कि अहले कुरान की जो बात आई और वो हदीसों के भी मुनकर हैं और बस ऐसे जो है लोग इफराद तफरीद का शिकार होते हैं, उन सबसे हटके जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस से खैर नमूरी अवसाद हुआ कि हर चीज का दरमियाना बेहतर होता है। तो इसी तरह रसूलुल्लाह की तालीमात के अंदर भी हर फिल्म के अभी एक वो आया था, एक साहब जो है बड़े जज्बाती दिख रहे थे, वो सिर्फ अकायद मसलक का वो पढ़ने के बाद में बोले कि भाई हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरा आलम इस्लाम और मुसब्बत फिर काबिलियत की आग में ऐसा जल रहा है, एक दूसरे के खिलाफ कुफर के फतवे हुए हैं। क्या पहली बातें जो लिखी गई हैं आपके जो ना अकायद मसलक कि हर कलमा को हमारा भाई है और हर फिल्म में जो है ना वो पानी का जो नाम दिल से एहतराम करते हैं, ये बात मुझे बहुत मुतासर है। तो ये ऐसी बैन अवी और फिर ऐसी जो है ना आपके बुनियादी और बेसिक तालीमत है, इससे जो है ना कोई एतराज़ करके आगे हटके कोई अच्छी बात पेश नहीं कर सकता। तो ये सरासर जो है यहाँ रसूलुल्लाह की नसीहत जो मुबल्लिगीन के जरिए और फिर दरस कुरान के जरिए जो महफूज हो गए हैं, बहुत बड़ा खजाना है हमारे लिए। अल्लाह हमें और इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। بارك الله لنا في القرآن الحكيم ونفعنا بالآيات الحكيم إنه تعالى القرآن القديم ولكم قرآن الحكيم برحمته يا أرحم الراحمين. الحمد لله. يا